मकर संक्रांति पर सुनहरी सौगात, भारत में शुरू हुई एयर टैक्सी सर्विस। आपका सफर अब और भी रोमांचकारी होने वाला है। काफी इंतजार के बाद अब वो समय आ गया है जब टैक्सियां सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच इस सेवा की शुरुआत की है। ये टैक्सी महज 50 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, यानी आपका 4 घंटे का सफर अब 50 मिनट में ही पूरा हो सकेगा। सबसे खास बात तो ये है कि इसका किराया भी सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। इस एयर टैक्सी की बुकिंग कैसे होगी और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो हम सब आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। ज्यादा नहीं होगा किराया। खास बात यह है कि इस एयर टैक्सी का किराया सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। इस एयर टैक्सी में भी 4 सवारी बैठ सकती हैं, जिनका हरियाणा से चंडीगढ़ तक का किराया प्रति व्यक्ति 1,755 रुपए है। ये किराया आम फ्लाइट से कम है। नॉर्मल फ्लाइट में आपको 2,000 से 2,500 रुपए तक किराया देना होता है। इसके अलावा चेक इन में भी करीब 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन एयर टैक्सी से आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचकर एयर टैक्सी में सीट हासिल कर सकते हैं। एयर टैक्सी के पहले चरण में चंडीगढ़ हिसार के बीच सर्विस की शुरुआत हो गई है। जल्द ही इस सर्विस को देश के अलग अलग 26 रूटों पर शुरू कर दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 11 रूटों पर इस टैक्सी को चलाने की अनुमति भी दे दी है। दूसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान कंपनी ने जानकारी साझा करते हुए 18 जनवरी से एयर टैक्सी के दूसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। एयर टैक्सी की उड़ान मौसम पर निर्भर रहेगी, यानी अगर मौसम साफ हुआ तो आप एयर टैक्सी के सफर का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन मौसम में खराबी हुई तो टैक्सी उड़ान नहीं भर सकेगी। ऐसे में अगर आप एयर टैक्सी के सफर का मजा लेना चाहते हैं तो तय दिन का मौसम जरूर जान लें, वरना आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो सकती है। इस एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हरियाणा के झज्जर स्थित बेरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सुहाग कर रहे हैं। कैप्टन वरुण पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग के भतीजे हैं। उनके पिता कर्नल रामपाल सुहाग हैं। कैप्टन वरुण की योजना है कि आगामी समय में वो 26 अलग अलग रूटों पर एयर टैक्सी सेवा शुरू करेंगे। 3 चरणों में शुरू होगी सेवा। एयर टैक्सी शुरू होने के बाद चंडीगढ़ और हिसार के बीच की दूरी सिर्फ 45 मिनट ही रह जाएगी। उद्घाटन के समय सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये पहला चरण है और ये 4 सीट का छोटा सा जहाज है। देश में पहली बार इस तरह का छोटा सा विमान एयर टैक्सी के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इस एयर टैक्सी का किराया लगभग 1,755 रुपए रखा गया है। दूसरे चरण की शुरुआत 18 जनवरी से होगी। इसके तहत हिसार से देहरादून के बीच उड़ान शुरू की जाएगी। हिसार से देहरादून की दूरी सिर्फ 1.25 घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं इसका किराया 2,500 रुपए के आसपास हो सकता है। तीसरे फेज में हिसार से धर्मशाला के बीच एयर टैक्सी चलाई जाएगी। इस चरण की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। इसमें हिसार से धर्मशाला के बीच की दूरी को मात्र 1.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस दूरी के लिए एयर टैक्सी फेयर 2,500 रुपए तय किया जाएगा। 11 रूटों पर कंपनी को मिली है अनुमति। एयर टैक्सी कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन विभाग ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 11 रूटों पर चलाने की अनुमति दी है, मगर मौजूदा समय कंपनी चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से धर्मशाला, हिसार से देहरादून को एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। अब हिसार एयरपोर्ट भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुमार हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में विभिन्न शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए योजना कुछ समय पहले ही शुरू की थी। अब हिसार भी इसका हिस्सा बन गया है।